नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एल्फी सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एल्फी सिरप को कैसे लेना चाहिए और एल्फी सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एल्फी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एल्फी एक ब्रांड नेम है। एल्फी सिरप के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सेट्रिजिन होता है। सेट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सर्दी, जुकाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक का बंद होना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए एल्फी सिरप का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर और त्वचा पर रैशेस होने पर भी एल्फी सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर एल्फी सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में एल्फी सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चों में एल्फी सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुँह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, गले में खराश होना, दस्त होना, कब्ज होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स एल्फी सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्फी सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एल्फी सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर एल्फी सिरप को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं और 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर एल्फी सिरप को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर एल्फी सिरप को दिन में एक बार या 5 मिलीलीटर एल्फी सिरप को दिन में 2 बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। एल्फी सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एल्फी सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्फी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को एल्फी सिरप को देना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को एल्फी सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों में एल्फी सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ बच्चों को एल्फी सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एल्फी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।